के लाई हो राखी? मटर। राखी जो है तो खेत से मटर बीन के लाई है, ये इनका सीला है। मनु काला हो गया क्या? Hey guys, good evening, welcome back to my new vlog video. तो guys, आज राखी ने जो है तो अपनी नाक छिड़ा ली है और अभी आई है वो सीला बीन के, देख सकते हैं आप लोग। के लाई हो राखी? राखी जो है तो खेत से मटर बीन के लाई है, ये इनका सीला है। मनु काला हो गया क्या? मनु ने भी बीना है। मनु क्या इंच रहे हो? घेटियों के दाने निकाल रहा है, जो बची हैं वो निकाल रहा है। राखी जो है तो मटर का कचड़ा साफ कर रही है। गाइस खुशबू आ रही है और खुशबू दिखाने जा रही है भैंसों को पानी, और यहाँ बैठ। चलो फिर जल्दी दिखा देते हैं दोनों लोग पानी जानवरों को। मैंने धोख के आ गया हूँ, हाँ भर के आ गया। चलो सच में मैं भर के आ गया हूँ। पानी साफ कर लिया है मटर, मटर का कचड़ा जितना है। उस बार कितने थे? उस बार थे 6 से 5 कली। अरे तो 5 कली हो तो मतलब मटर कितना निकला था? मटर कितना था और कितने का? 6 रुपए का इतना। अच्छा 6 रुपए का। मैंने आसाराम की दुकान पे बेचे तो उसमें 4 रुपए के दिए थे, तो हमने नहीं बेचे। हाँ भाई, गाइस खुशबू दिखा रही है पानी भैंसों को। हाँ पानी क्या को नहीं भरो रहो है उठाला। अरे आप भर दीने तो है, भरो रहो। देख चाहे मैं देखत हूँ, चराही में पानी भरना है और आज लाइट नहीं है, इसकी वजह से नल से भर रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस, मैं नल से पानी भर रहा हूँ चराही में भैंसों को दिखाने के लिए। गाइस आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। राखी और मनु चले गए हैं बेचने मटर को, जो बीन के लाए थे सीला। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना इस वीडियो के लिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।